SBS Originals में आज होगा प्रोफाइल जैकी श्रॉफ का। जी हाँ, जैकी दादा के बारे में हम बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन फिर भी कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हमें ऐसा लगता है जब भी सुनते हैं, अरे ये तो हम नहीं जानते थे, ये बात तो नहीं है। आज कुछ ऐसी ही बातें हम सबको पता चलेंगी। सुबह सुबह तुम्हारी तस्वीर देखी, शाम को तुम मेरे सामने खड़े हो और मुझे रोल दे दिया। अपना कम अपने घर वालों का ख्याल बहुत रखना चाहिए मेरे बच्चे लोग। ध्यान रखो, शांत रहो, योग करो, लंबा सांस लो भावा। सो लाइफ इज गुड। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं वन एंड ओनली जग्गू दादा, यानी कि जैकी श्रॉफ, जिनकी नई फिल्म आ रही है जिसका नाम है लाइफ इज गुड। जग्गू दादा, लाइफ इज गुड हमेशा ही आप हंसते मुस्कुराते रहते हैं और आप इस नाम की एक फिल्म भी आ रही है, क्या कुछ करते नजर आएंगे इस फिल्म में आप? ज्यादा कुछ नहीं, यही करते नजर आऊंगा कि एक जिंदगी में अपने आप को हार मान के छोड़ने देना चाहिए, दुनिया किस तरह से जीना चाहिए, कहाँ कहाँ खुशियाँ देखना चाहिए, मतलब छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ मिलनी चाहिए, क्योंकि डिप्रेस होना मतलब होते हैं लोग, ये नहीं कि नहीं होता, इंसान है भाई, बहुत सारे लोग होते हैं, मगर खुशियों को इतना बढ़ाने की कोशिश करो कि डिप्रेशन गायब हो जाए। जग्गू दादा, आपने एक बहुत लंबा सफ़र तय किया है, तीन बत्ती में आप रहा करते थे, बहुत आर्थिक मुश्किलें आपने झेली, फिर आप मॉडल बने, फिर विजय देवानंद की फिल्म स्वामी दादा में एक मेन विलन के साइड किक बने थे, उसके बाद आपको कहीं जाकर हीरो फिल्म में सुभाष घई ने लॉन्च किया था। बहुत ही संघर्षमय जीवन आपका रहा है, अगर बचपन की बात की जाए, कैसे देखते हैं इस सफ़र को सर? सीखने मिला बेड़ू, हर दौर में कुछ ना कुछ सीखने मिला, क्योंकि मुंह बंद रखा, कान खुला रखा, सुनते रहा, देखते रहा, समझते रहा क्या है ज़िंदगी। कम उम्र में अपने करीबी को जाते हुए देखा भाई को, समझ गया कि क्या है ज़िंदगी। तो 10 साल की उम्र से होश संभालना शुरू किया, ज़िंदगी क्या मालूम पड़ने लगा। तो वो संघर्ष तो सब व्यक्ति के ज़िंदगी में होता है, उसको किस तरह से संभालना, समझना और आगे चलना, और क्या देना, क्या देके निकलना, एक माध्यम बन, अच्छी बातें कर, अच्छी चीज़ें कर और निकल ले। माँ अच्छे नहीं होने की वजह से आप ज़्यादा पढ़ भी नहीं पाए, आपको मतलब 11th स्टैंड के बाद आपको छोड़ना पड़ा, और क्या ये बात सच है कि आप ताजमहल होटल में गए थे बतौर अप्रेंटिस करने के लिए, और एयर इंडिया में भी गए थे फ्लाइट अटेंडेंट बनने के लिए, और आपको वो मौका नहीं मिला क्योंकि आपकी जो शैक्षणिक क्वालिफिकेशन है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, वो सही नहीं थी, इसलिए आपको ताजमहल होटल और एयर इंडिया ने मना कर दिया? शायद हो सकता है मुझे मेरे SSC के सर्टिफिकेट को देख के ना लिया हो, शायद ग्रेजुएट्स की थी उस वक्त मुझे लगता है, और मैं तो चाहूँगा कि सब अभ्यास करें और अपने माता पिता जब पैसे भरते हैं फीस के तो उसे उसकी इज्जत करें। शोर शराबा तमाशा ये सब ठीक है, मगर जहाँ माँ बाप के भरोसों को तोड़ने की कोशिश नहीं, उनके मेहनत के पैसे को उसका बैंड बजाने की कोशिश नहीं करने का, क्योंकि मेरे को मालूम है भिड़ो मैं 11वीं के बाद नहीं कर पाया, मैं जो भी था जैसा भी था, पर 2 साल के बाद काम शुरू कर दी। ये है कि अपना कम अपने घर वालों का ख्याल बहुत रखना चाहिए मेरे बच्चे लोग, ध्यान रखो, शांत रहो, योग करो, लंबा सांस लो भावा। माँ, मम्मी, मम्मा, माँ, मेरी माँ को देखकर मैं आगे बढ़ा, बेशक माँ मतलब सबको जाए, माँ तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी। कोई सीख भीख नहीं देना चाहूँगा बिल्कुल, मैं मेरे बाबा का कोई मतलब मैं उसका कोई मुखिया नहीं बैठे लूँ सीख देने का। इतना ही बोलेगा खुश रहो भाई,
आजू बाजू देखो, बहुत गम है, अपना कमी लगने लगेगा ऑटोमेटिकली। सांस पे ध्यान दे, परिवार पे ध्यान दे, अच्छी चीज़ों पे ध्यान दे, काम पे ध्यान दे, बाकी तो जिंदगी है बड़ो, है कि नहीं। एक वो बटरफ्लाई होता है, उसकी एक दिन में ख़त्म हो जाती है वो मौत का, सुबह आया रात ख़त्म, उसके लिए पूरी ज़िंदगी है। बहुत टाइम दिया हुआ है। योग 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 में ध्यान दे, अपने आप को जोड़ ले, अपने तन को, अपने मन को जोड़ ले, अपने मन को अपने सांस से जोड़ ले, समझे, अपने मन को लगाई दे सांस में। स्वामी दादा, में आपको मौका कैसे मिला वो बता सकते हैं? देव साहब के बच्चे से मेरी मुलाकात हुई और उन्होंने कहा कि देव साहब को मिलना चाहेंगे। बोला हाँ मैं चाहूँगा। मैं चला गया उनके ऑफिस में, उन्होंने मुझे देखा, बोले कि सुबह सुबह तुम्हारी तस्वीर देखी, शाम को तुम मेरे सामने खड़े हो, और मुझे रोल दे दिया। मगर वहाँ से लेकर आज लाइफ इज़ गुड, लाइफ डेफिनेटली इज़ गुड बिकॉज आई हैव ब्लेसिंग्स ऑफ देव साहब, सो लाइफ इज़ गुड। ABP News, आपको रखे आगे।